साल में एंड आई थॉट वाज वेरी स्पेशल बिकॉज हमेशा कवर पे अकेले रहना या किसी डांस के पोज में रहना रहने से यहाँ पर विद ज़ोरबा आई थिंक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज द मोस्ट स्पेशल कवर फॉर मी और जितने कवर मेरे पास है इसमें आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्पेशल थैंक यू एंड मैंने बहुत सारे कवर शूट किए आई एम अ फोटोग्राफर तो मैंने बहुत सारे कवर शूट किए लेकिन ज़ोरबा वाज अ लिटिल डार्लिंग उसको जो बोलो वो करती है वेरी स्वीट सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस शूटिंग बोथ ऑफ देम तो संदीप इतने अच्छे इंसान है एंड जो भी इंसान एक एनिमल को इतनी अहमियत देता है ही इज डेफिनेटली अ नाइस ह्यूमन बीइंग तो संदीप थैंक यू इसका एक्सपीरियंस शूटिंग करने में इतना अच्छा था कि इट वाज अ ड्रीम शूट बस हमने बोले यहाँ बैठो वहाँ करो शी वाज लाइक वेरी कूल वेल थोड़ा नर्वस था कि पहली बार मैं कुछ शूट करा था विद ज़ोरबा बट शी वॉज सो नाइस आई एम सरप्राइज एंड शी लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड जेलस आई थिंक स्ट्रेस बस्टर नहीं आई थिंक दे आर मोर लाइक फैमिली दे आर मोर लाइक फ्रेंड दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ जैसा मेरा बेटा है वैसी मेरी ज़ोरबा है एंड आई थिंक मैं इनको स्ट्रेस बस्टर के तौर पर नहीं लेता हूँ ना इधर पेट के तौर पर लेता हूँ आई टेक देम एज माई फैमिली मेम्बर एंड दैट्स वॉट शी इज़ फॉर मी आप और जिम्मेदार हो जाते हैं बिकॉज आई एम नॉट अलोन इन माई हाउस अब मेरे को लगता है मैं अपने से ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कहीं भी जाना है मेरे लिए घर पे खाना बना हो या नहीं आई एम मोर कंसर्न अबाउट रियो का खाना बना है रियो सो गया है या मैं ट्रैवल भी करता हूँ आई थिंक सो आई कीप कॉलिंग माई डोमेस्टिक हेल्प रियो का है ठीक है सो आई थिंक सो इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ किड ऑफ योर ओन एंड यू बिकम टू रिस्पॉन्सिबल मेरे घर के इतने पास ऐसी स्टोर है जहाँ पर सब कुछ मिले इन बच्चों के लिए तो आई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मेरे तो चार रही है तो अभी एक आई है और तीन घर पे हैं तो वो भी आएंगे यहाँ सलोन भी हैं तो बहुत पैम्परिंग होगा आज वो दूसरे सलोन में घूम के आई है मेरा फ्रेंड बहुत ही हैंडसम लग रहा है और ज़ोरबा तो मतलब स्टार अट्रैक्शन है टोटली बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोनों ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ड्रीम प्रोजेक्ट है हम लोग ये पेट बैकग्राउंड से नहीं है बट बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर एनिमल्स वी हैव स्टार्टेड दिस एक्सक्लूसिव पेट स्टोर एक्चुअल ओपनिंग कल है तो वी आर रियली एक्साइटेड कि एनिमल्स के लिए भी कुछ हाई एंड डिज़ाइनर स्टफ होना चाहिए अगर आप बम्बई में कोई भी स्टोर में जाएंगे तो आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे पेट्स अच्छी तरह से घूम भी नहीं सकते वी हैव अ गार्डन वी हैव ग्रूमिंग वी हैव कस्टमाइज फर्नीचर सो इट्स फैशन न्यूज फॉर पेट्स इन मुंबई ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे पेट स्टोर में जाते हैं तो जगह नहीं होती है खड़ा रहने के लिए और फर्नीचर नहीं मिलता है फार्मेसी नहीं होती है दवाई नहीं मिलती है कुछ नहीं मिलती है तो ये सब हमने यहाँ पे किया है फोटोग्राफी से लेके सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है ये ग्रूमिंग से लेके फूड टॉयज एक्सेसरीज आपको एनिमल आर्ट मिलेगा आपको फार्मेसी मिलेगी यहाँ पे सब दवाई आपको मिलेगी आगे चल के हमको 24/7 दवाई बेचनी है यहाँ पे रात को भी डे एंड नाइट दवाई का करना है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी दवाई नहीं मिलती हमको अनलेस एंड अनटिल कोई वेट होगा साथ में तो हम लोग अपनी खुद की फार्मेसी चालू करें ओनली फॉर पेट्स पेट डॉग्स के लिए भी हम लोग करने वाले हैं लॉट ऑफ कुछ ना कुछ करते रहेंगे डोनेशंस करते कुछ ना कुछ नया नया कुछ करते रहेंगे उन लोग के लिए भी सारे फ्रेंड्स को बोला है वो खुद आए हैं यहाँ पे एंड मोस्ट ऑफ देम आर एनिमल लवर्स तो उनकी इंस्टा स्टोरी से आई थिंक राइट नाउ सोशल मीडिया इज द थिंग पीपल डोंट हैव टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स लेकिन इंस्टाग्राम आजकल हर रोज लोग देखते हैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आई मीन डॉग्स एंड मोर का कवर है संदीप सोपारकर इज ऑन द कवर विद ज़ोरबा सोपारकर सो आई थिंक इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी देम ऑन द कवर जस्ट वन प्रॉब्लम सिम्बा हैज सिम्बा इज वेरी अपसेट विद रोहित शेट्टी एंड रणवीर सिंह फॉर नॉट टेकिंग हिज परमिशन बिफोर दे मेड द मूवी मेरे सिम्बा का स्टाइल कॉपी किया है तो उसको रॉयल्टीज चाहिए सो मेक श्योर दे फाइंड आउट दैट सिम्बा इज अपसेट यू अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स बट when you're working you don't have you stay I stay here alone without my family and Simba's the only family that I have so when I reach home and when I see Simba there waiting for me so it's the best feeling right to see them waiting to have that bond with somebody and their love is unconditional there is no condition ki mere liye ye karo aap unko khana khilao nahi khilao ghumane le jao nahi le jao they still love you the way that they love you so I think my bond with him is really nice and he holds a very important place in my life I will say it कुत्ते because they कुत्ते ही हैं it's just that we treat them very well और एक नियॉन है एक शीरो है शीरो यहाँ इज़ अ मिक्स ब्रीड ऑफ अ जर्मन शेफर्ड एंड अ डॉबरमैन आप घर के अंदर नहीं आ सकते हैं जब वो घर में है बट ही इज़ लिटिल साइलेंट आउटसाइड तो मैं इसको यहाँ लेकर आ सकती हूँ
और नियॉन इज़ अ लैम्प, वो अभी यहाँ होता तो अब सब भाग रहे होते यहाँ वहाँ. सो उसको आज मैं घर पर छोड़ कर आई हूँ. एंड जैसे कहते हैं ना, हमारे लिए बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत दुनिया है. आई थिंक वी सी एवरी वन, वो लोगों के लिए सिर्फ हम हैं. सो हम उसकी दुनिया हैं. आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग. टुडे देयर इज अ ट्रेंड कि इतना ये पपी खरीदो, लाइक ये ब्रीड का कुत्ता खरीदो, इट्स मोर एक्सपेंसिव, सो इट्स मोर फैशनेबल. सो इट्स बिकम अ फैशन ट्रेंड विच शुडंट बी द केस. आई वुड, Simba was a gift to me. Yes, he is a very nice breed, but he was a gift to me. And it doesn't matter whether you adopt somebody or rescue. It will be better if you have kitne sare puppies hai raaste pe jinko zarurat hai gharon ki. Instead of spending 1-1 lakh rupees to buy a puppy, go out there, adopt a dog, rescue a dog, and they'll give you the same amount of love. Yeah, how they look actually, really. Actually, he is a rescued one. Yeah, her dog Shiro is a rescued dog. She was a rescued one, but and Neon is a gift again. So yeah. I was lucky with two. तीन डॉग्स की माँ हूँ. आई बिन अ क्रीचर मॉम. मैजिक माम्बो मेरा पहला, और खलीसी को एक ब्रीडर ने छोड़ दिया था. तो मेरे लिए एनिमल्स हमेशा पहले आते हैं. शी इज़ अ रेस्क्यू एंड यस, दिस इज़ हर फर्स्ट प्रेस डेब्यू. डॉक्टर्स ने कह दिया था कि खलीसी जिएगी नहीं. सो व्हेन शी सर्वाइव्ड, आई डिसाइडेड टू नेम हर खलीसी फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, ड्रैगन मदर. और आज पता नहीं मेरी ड्रैगन मदर क्यों डरी हुई है इस बहुत लोगों को देखकर.